साथियों, भारत सरकार आज तेलंगाना में जो कनेक्टिविटी बढ़ा रही है उसका लाभ तेलंगाना की इंडस्ट्री को हो रहा है, यहाँ के टूरिज्म को हो रहा है। तेलंगाना में जो अनेक हेरिटेज सेंटर्स है, आस्था के स्थान है, वहाँ आना जाना और अधिक सुविधाजनक हो रहा है। यहाँ जो एग्रीकल्चर से जुड़े उद्योग हैं, करीमनगर की ग्रेनाइट इंडस्ट्री है, उसे भी भारत सरकार के इन प्रयासों से मदद मिल रही है। यानी किसान हो या फिर श्रमिक, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, सभी को इसका लाभ हो रहा है। इससे युवाओं को उनके घर के पास ही रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। साथियों, युवाओं के लिए रोजगार का एक और बड़ा माध्यम देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन रहा है, मेक इन इंडिया अभियान बन रहा है। हमने देश में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई योजना शुरू की है। यानी जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसे भारत सरकार से विशेष मदद मिल रही है। इसके तहत 50 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ तेलंगाना में लगे हैं। आप जानते हैं कि भारत ने इस वर्ष डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 9 वर्ष पहले 1000 करोड़ से भी कम था, आज ये 16000 करोड़ रुपये पार कर चुका है। इसका लाभ हैदराबाद स्थित भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को भी हो रहा है।